देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। नमस्कार, वार्तालाप टीवी में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। प्रयागराज में MLC चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन आज BJP प्रत्याशी डॉक्टर KP श्रीवास्तव ने भी पर्चा दाखिला किया। नामांकन के वक्त डॉक्टर KP श्रीवास्तव के साथ पार्टी के तमाम नेता भी मौजूद थे। नामांकन से पहले डॉक्टर KP श्रीवास्तव ने जिला पंचायत सभागार में पार्टी के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक भी की। इस मौके पर डॉक्टर KP श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र और UP में BJP की सरकारों ने जो काम किए हैं, उत्तर प्रदेश जिस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है, उससे यह साफ है MLC चुनाव में भी BJP को जरूर जीत हासिल होगी। उन्होंने अपना सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के मौजूदा MLC वासुदेव यादव से बताया। डॉक्टर KP श्रीवास्तव साल 2000 में प्रयागराज शहर के मेयर भी रह चुके हैं, हालांकि उस वक्त वह समाजवादी पार्टी में थे। इसके साथ ही वह पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य भी हैं। BJP प्रत्याशी डॉक्टर KP श्रीवास्तव के नामांकन में कई विधायक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष व पार्टी से जुड़े अन्य लोग भी मौजूद थे। इलाहाबाद कौसाम्बी MLC सीट पर तकरीबन 4000 वोटर हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाना ही मेरी प्राथमिकता है। जो संगठन का आदेश होगा उसका पालन करना, जितनी मजबूती से लड़ा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मजबूती में कोई कमी नहीं रहेगी। नेताओं में भी जोश है, हमारे नेताओं में भी जोश है और हमारे अंदर भी जोश है। मुकाबला तो लोगों से पूछिए, हम क्या बताएं, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुकाबला किससे है इस समय प्रदेश में? किसी से नहीं है। सब मुकाबले वाले सब भाग गए कोई रह गया मैदान में पार्टियां सब टूट रही, देख रहे हैं आप। हेलो, अब आगे और चुनाव देखिएगा 24 में। भारतीय जनता पार्टी की का जो संकल्प है उसको पूरा करना।